हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता ब्लॉग 2023 में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती होंगी आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुशहाल हों। तो आज हम गाय दूध दुहने के लिए तो आ गए हैं और आज भैंस भी दुहेंगे। आप लोग, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि बफेलो मिल्किंग करो, बफेलो मिल्किंग करो। तो वैसे हमारे पास भैंस तो नहीं है, पर सब लोग गए हैं पूर्णागिड़, तो जो चाचा हैं उनके पास भैंस है, तो उनकी भैंस आज हमने पहली बार दुहा है। तो बहुत डर डर के दुहा है, तो फिर आगे वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है। बहुत डर डर कर हम सोच रहे थे कहीं मार ना दे, हाथ पैर उठा तो रही थी, पर खैर मारा नहीं, बच गए। तो हम गाय अब लगाना शुरू कर दिए हैं और जल्दी जल्दी से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, प्रार्थना करो। दोस्तों अब हम गाय लगा रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मेरी ये गाय है, गाय के पीछे वो देखो भैंस खड़ी है, अभी उसको भी दुहेंगे। तो खाना बना चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, सब कुछ काम निपटा कर अब लास्ट में, घर में कोई है था नहीं, सारा काम हम ही को करना था, तो हमने सारा काम निपटा लिया। उसके बाद फिर हमने गाय को दूध दुहा। दूध देख दो लोग लेने वाले हैं, तो वो लोग आ चुके थे, आज कहा कि लेट हो गई, फिर हमने गाय लगाया, फिर उसके बाद उनको हमने दूध दिया। डिब्बा रख कर, लोटा रख कर लोग चले गए हैं, तो अब हम दो रहे हैं, दूध कर देंगे जाके। धूप हो चुकी, 9 बज गया है, 9 बजे आज हमने गाय लगाई, बहुत लेट हो गया है। मक्खियाँ लग रही हैं, पैर इधर उधर चला रही है। हम लगभग लगा चुके हैं, हम गाय लगा चुके हैं और दुहकर अब हम जा रहे हैं घर। देखिए दिखा रहे हैं, इतना दिया है दूध, अब घर जाएंगे। घर जाने के बाद फिर हमने दूध नापा, तो गोलू ने उसका भी वीडियो बना लिया है, दूध नापने का भी। आधा आधा लीटर दो लोग दूध लेते हैं, तो उनका हमने नाप दिया है दूध। उसके बाद जो बच्चा हमने रख दिया, ये देखिए सुधीर हैं, दूध देने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग लेट हो गए थे, जा रहे हैं, कह रहा है वीडियो बना लें रखने का और दूध देने का सब। किचन बंद कर दिया उन्होंने, अब किचन बंद कर दिया, अब हम जा रहे हैं भैंस दुहने के लिए। तो हम आ चुके हैं अपने लगाने के लिए, ये देखो जहाँ गैस गाय भैंस बंधी रहती है, तो हम जा रहे हैं भैंस लगाने के लिए। डिब्बा उठा लिया है, तो हमको बहुत डर लग रहा था, पर आप लोगों का कमेंट भी था कि बनाओ वीडियो, तो हमने कहा आज बना ही लेते हैं, वैसे नहीं तो दूसरे से लगवा देते, पर लोगों का कमेंट था इसी वजह से बनाया है। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे वो लोग देख लें वीडियो, तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हमने देखा है, आप लोगों का हमने कमेंट पढ़ा था, हम सोच रहे थे कैसे, तो फिर आज मौका मिला, तो फिर हमने आज भैंस लगा ली। ये भैंस पीछे से पी रही है, ऐसा लगता है भैंस वैसे भी कम बुद्धि की होती हैं, गाय के बराबर नहीं होती, भैंस के बच्चे बुद्धिमान, पीछे से मिला तो पीछे से पीने लगी। अब हमने बांध दिया है पड़िया को, तो हम दुहने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं इधर से दुहें उधर से दुहें, बहुत डर लग रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है कि मारे ना, कभी जाते तो है नहीं इसके पास, ना ही कभी दुहा है। तो सुधीर बगल में खड़े हैं, तो अब हम डरते डरते दुह रहे हैं, थन धो रहे हैं,
इसके बाद हम गाय लगाए भैंस दुहेंगे, गाय निकलता है मुँह से गाय लगा। बहुत पूँछ चला रही थी, इतना पूँछ चला रही थी कुछ कहने को नहीं। अब डरते डरते हमने स्टार्ट कर लिया है दुहना, स्टार्ट कर दिया है, देखो आगे क्या होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पैर उठा रही है, पूँछ भी चला रही है। कल शाम को तो नहीं दिया इसने, पैर मार रही थी, बैठ गई थी, उठ गई थी, और अपनी पड़िया को भी नहीं पिलाया था शाम को, उसको भी मार रही थी। और अब ये समझ गई है कि कोई घर वाला नहीं आएगा दुहने के लिए, इसलिए थोड़ा शांत खड़ी है। थन मुलायम है मेरी गाय से, ज़्यादा इसके मुलायम है थन। किसी किसी जानवर के बहुत मोटे थन होते हैं, मतलब बहुत कड़े होते हैं दुहने में, ताकत बहुत लगती है। पर इसके हमारी गाय से भी, गाय तो फिर भी टाइट हैं, इसके एकदम मुलायम है। भैंस थोड़ा थोड़ा दूध उतारती है, ऐसे दूह लो फिर छूट हो जाए, फिर उतार लेगी दूध। फिर पहले हम सोचा कि क्या बहुत थोड़ा दूध देती है, थोड़ा दूहा तो उसमें ख़त्म दूध, आधा गिलास निकला तो हमने कहा इतना ही देती, फिर दूसरे में दूहा तब तक फिर उसमें उतार आया, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उतारती गई। फिर हमने धीरे धीरे करके दूध दूहा निकाल लिया, फिर उसके बाद फिर गाय बछड़ा वो पड़िया को छोड़ दिया, बछड़ा निकलता है मुँह से, क्योंकि हम रोज गाय को दूहते हैं तो बछड़ा छोड़ते, इसलिए बछड़ा ही निकलता है बार बार। सुधीर से हमने कहा तुम खड़े हो जाओ क्योंकि मार भी सकती है अनजान समझकर। वैसे तो निकलते हैं इधर कूड़ा वूड़ा डालने जाते हैं, पर इसके पास तो रहते नहीं, आते जाते नहीं तो मार सकती। पहले झनक रही थी, मारने के लिए दौड़ रही थी, पर जब सुधीर खड़े हो गए तो शांत हो गई। सुधीर कह रहे हैं दबा के लगा लो अब न मारी इनको सभी जानवर डर जाते हैं, कुत्ते हों वो भी डर जाते हैं और भैंस गाय भी डरती हैं। तो हम दूध दूह रहे हैं, इतना दूह चुके हैं, कह रहे हैं बस करो अपना दूह ज़्यादा। हमने कहा दूह ले, शाम को भी नहीं लगाया है दूध तो दूह लें, फिर उसके बाद छोड़ेंगे पड़िया को। थन दूह चुको फिर उतार लेती है दूध, फिर दूह लो फिर उतारती है, ऐसे करके उतार रही थी थोड़ा थोड़ा दूध। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमने आज बहुत रिस्क लेकर हमने गाय भैंस लगाया है, गाय तो रोज़ लगाते हैं, भैंस लगाया है आज। बहुत पूँछ मारा, इतनी पूँछे मारा है, इतनी पूँछे मारा है इसने, कुछ कहने को नहीं। ये देखिए पूँछ, राम राम राम। हम दूह चुके हैं, भर गया डिब्बा, हम कह रहे हैं ऊपर तक भर लें, कह रहे हैं बस करो अपना दूहो। हमने कहा डिब्बा भर लें तब फिर बंद करें, अभी दूध है तो शाम की लगा तो था नहीं, दूध दूहा नहीं गया था, दूध दिया ही नहीं था इसने, दूहा तो गया था, दिया ही नहीं, ना ही पड़िया को पियाया था। तो हम अब दूध दूह चुके हैं, अब उनके घर में दे आएंगे दूध, इसके बाद छोड़ देंगे पड़िया। तो हम दूह चुके हैं, अब हम जा रहे हैं और बता रहे हैं, वीडियो लाइक ज़रूर कर।